फूडीज वेलकम। आज हम लाइट सा डिनर बनाने के मूड में हैं, तो सॉटेड वेजिटेबल्स बना रहे हैं। उसके लिए एक छोटी ब्रोकली ले ली है मैंने। 4 से 5 बीन्स हैं, देखिए कैसे काटे हैं। ब्रोकली भी फ्लोरेट्स निकाल लिए हैं। ये स्प्रिंग अनियन के 5 स्प्रिंग अनियन के खाली अनियन है और स्प्रिंग नहीं है उसमें। एक मीडियम साइज की येलो बेल पेपर, एक रेड बेल पेपर मीडियम साइज की। यहाँ पे 5 से 6 गार्लिक पतले पतले लंबे लंबे काट लिए हैं और एक हरी मिर्च है। यहाँ पर मशरूम है मेरे पास, 2 बड़े वाले साइज के 2 मशरूम ले लिए थे और उनको मैंने काट के पानी में रख दिया है क्योंकि मशरूम जल्दी से काला पड़ जाता है। तो पानी यहाँ पे मैंने गर्म करना रखा है और इसमें सबसे पहले थोड़ा सा नमक डालूंगी मैं। ये देखिए, ये 1/2 टीस्पून जितना नमक डाल रही हूं मैं। और सिर्फ बीन्स को और ब्रोकली को हम ब्लांच करेंगे क्योंकि ये देर से गलती हैं। तो सबसे पहले बीन्स डाल रही हूँ, 1-2 बॉयल आने दूंगी पानी को बीन्स के साथ, उसके बाद फिर मैं इसमें ब्रोकली डालूंगी। तो अब 1-2 मिनट रुक के फिर देखते हैं इसको और उसके बाद फिर डालेंगे ब्रोकली को। ये बीन्स को ब्लांच होते हुए 3 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसमें ब्रोकली डाल रही हूँ। ब्रोकली को भी ब्लांच होने दूंगी और उसके बाद फिर हम इसको निकाल देंगे पानी से और ठंडे पानी से धो देंगे ताकि इसका कलर रिटेन्ड रहे। तो अब 2 मिनट के बाद हम दोबारा इसको देखते हैं आगे। इसे भी बॉईल होते 2 मिनट हो गए हैं, तो मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसको छाननी में छान के फिर इसको ठंडे पानी से धो लूंगी। मैंने ठंडे पानी में छान लिया और जैसा कि आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा इसका कलर है, ग्रीन। और मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए 3/4 डन है, ये क्रंची रहेगी। तो इसी तरीके से हमें करनी थी। और ये भी ब्रोकली भी कोई बहुत ज्यादा गली नहीं है, ये देखिए, ये देखिए। तो अब मैंने यहाँ पर पैन रख दिया है, हीट हो गया है पैन और मैं इसके अंदर डाल दूंगी ऑलिव ऑयल। आप चाहें तो बटर भी यूज कर सकते हैं, बटर या ऑलिव ऑयल कुछ भी चलेगा। 1/2 टेबल स्पून जितना डाला है मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल। अब इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी गार्लिक और हरी मिर्च, इसको हल्का सा सौते करूंगी। आप चाहें तो अदरक भी साथ में डाल सकते हैं, दैट इज ऑल अप टू यू। हमें गार्लिक का टेस्ट ज्यादा पसंद है तो हम गार्लिक ज्यादा पसंद करते हैं, तो थोड़ी मैंने बल्कि ज्यादा ही ली है इसीलिए गार्लिक। हल्का सा सौते करेंगे अराउंड 1/2 मिनट, नहीं तो मिर्ची की वजह से छींके आएंगी और गार्लिक भी एकदम लाल लाल होता जाएगा। हल्का पिंकिश कलर आने लगेगा गार्लिक का, उसी टाइम पे मैं इसमें अनियन डाल दूंगी। ये देखिए कलर चेंज होना शुरू हो गया है गार्लिक का, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ अनियन। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल अनियन भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसकी पत्तियां भी डाल सकते हैं, पर वो डालेंगे तो फिर उसको लास्ट में डालना पड़ेगा आपको। क्रंची क्रंची वेजिटेबल रखनी है इसलिए कोई भी चीज बहुत ज्यादा भुनेंगे नहीं। प्याज को भी सिर्फ 1/2 स्पून भून के और फिर मैं इसके अंदर मशरूम और ये रेड और येलो कैप्सिकम डाल दूंगी। देखिए अनियन गार्लिक ब्राउन भी होने लग गया, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ कैप्सिकम और मशरूम, क्योंकि ये एक तो मैंने इसको कम सेट कर दिया है और क्योंकि ये भुने हुए नहीं है तो इसीलिए मैं इनको थोड़ा सा भूनूंगी पहले और उसके बाद अपनी सॉटेड ब्लांच्ड वेजिटेबल्स डालूंगी बाद में। 2 ही जनों का बन रहा है इसलिए मैं कम बना रही हूँ। आप अगर ज्यादा लोग हैं या ज्यादा लोगों के लिए बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप इसके अंदर
और भी वैरायटी डाल सकते हैं, इनफैक्ट आप गाजर डाल सकते हैं, आप पत्ता गोभी डाल सकते हैं, हरी शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं नॉर्मल वाली। तो ये सब मिला के उसका क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगा और क्वालिटी भी बढ़ जाएगा। वैसे तो यही सब्जियाँ अपने आप में बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। सेक को मैं कम से कर रही हूँ मीडियम, थोड़ा सा सौते करूँगी इसको 1 से 2 मिनट तक, और 1 से 2 मिनट तक सौते करने के बाद फिर हम इसमें ब्लांच्ड वेजिटेबल्स डालेंगे। 3-3.5 मिनट के करीब हो गए हैं इसको पकते, तो अब मैं इसके अंदर ब्रोकली और ग्रीन बीन्स डाल रही हूँ, मिक्स कर देंगे इसको और 1 से 2 मिनट इसको भी पकाएंगे। नमक डाल दूंगी थोड़ा सा, ताकि अगर कोई मॉइस्चर वगैरह निकलना हो तो वो निकल जाए, थोड़ा सा नहीं सॉरी स्वाद अनुसार ही नमक डाल रही हूँ मैं इसमें। इसको आप ब्राउन ब्रेड के साथ खा सकते हैं, बटर टोस्ट, प्लेन टोस्टेड ब्रेड, बंस, कुछ भी आप ले सकते हैं इसके साथ और बहुत अच्छा लगता है। ये बन को थोड़ा सा तवे पे सेक लीजिए अगर बन के साथ खाना चाहें तो, क्योंकि है तो वो भी ब्रेड की फैमिली का ही। तो अब इसको थोड़ा सा पकने देते हैं ताकि सारा मॉइस्चर निकल जाए, फिर हम बाकी की चीजें डालेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट। लीजिए मॉइस्चर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो अब मैं बाकी की चीजें डाल लेती हूँ इसमें। इसमें देखिए मैं 1/3 टीस्पून डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, बहुत ज्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी डली हुई है, नहीं तो बहुत तीखा हो जाएगा। तो मिर्ची थोड़ी थोड़ी डालेंगे, चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर दोनों डालूंगी थोड़ी थोड़ी। तो अब मैं डाल रही हूँ ये 1/3 टीस्पून जितनी ब्लैक पेपर, इसके अलावा 1 टेबलस्पून जितना डालेंगे हम सोया सॉस, थोड़ा सा रेड चिली सॉस 1/2 टीस्पून जितना, और नींबू का रस डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, क्योंकि ये थोड़ी सी सब्जियां हैं तो बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो खट्टा हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं नींबू के रस की जगह। मिक्स कर देंगे इस सबको, 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए और फ्लेवर आ जाए इन सब चीजों का इसमें। और ये जितना भी एक्सेसिव मॉइस्चर है वो भी सूख जाए। तो अब ये सब सुखाने के लिए और मिक्स करने के लिए मैं सेक मीडियम टू हाई कर रही हूँ ताकि ये फटाफट से हो जाए, और एक बार इसका मॉइस्चर सूख जाता है तो बंद करके और फिर हम आपको इसको प्लेट आउट करके दिखाएंगे। सो फूडीज आर सॉटेड और स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स आर रेडी टू डिग इन। मैंने ब्रेड को टोस्ट करके उस पर बटर लगा दिया है और साथ में ये वेजिटेबल्स भी सर्व कर दी हैं। आइए नौश फरमाइए और बताइए कैसी लगी।
लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके टिंग टोंग उसको दबाना मत भूलिएगा प्लीज. थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय.